अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने पढ़ा कैसे नंबर्स को हम बड़े नंबर्स को लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे। बच्चों, हमने उन नंबर्स को लिखना और पढ़ना तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि उन बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास हैं 4 कैंडीज, 1, 2, 3, 4 कैंडीज, अगर मुझे कहीं से एक और कैंडी मिल जाती है तो मेरे पास कितनी कैंडीज हो जाएंगी? मेरे पास हो जाएंगी 5 कैंडीज। बच्चों, ये तो है वो एडिशन जो हमने अपनी लास्ट क्लास तक पढ़ी। अब हमने बड़े नंबर्स को लिखना और पढ़ना सीखा है, तो अब हम उसको ऐड करना भी सीखेंगे। तो हमने ले लिए यहाँ पर 2 नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सबसे पहले हम इन नंबर्स को पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो आइए पहले नंबर्स को पढ़ते हैं। आपको पता है, नंबर्स को पढ़ने के लिए पहले राइट साइड से हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगाते हैं, तो हमने लगा लिए कॉमास। फिर आप ये भी जानते हैं कि जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं, तो लेफ़्ट साइड से हम अगर इसको पढ़ें तो हमारे पास है 2, तो ये है हमारे पास 2 मिलियन। उसके बाद है 456, ये हमारे पास होता है 1000 के घर में, तो हमारे पास नंबर हो गया 2,456,000। और लास्ट में है हमारे पास 138, ये होता है हमारे पास वंस के घर में, तो ये पूरा नंबर बनता है 2,456,138। अब हम अपना दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरे नंबर को भी हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा लिया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, हमने 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद हमने मिलियंस का कॉमा लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ, तो इससे हमें यह पता चला कि जो मिलियंस का घर है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है। तो इस नंबर को जब हम पढ़ेंगे तो ये होगा हमारे पास 605,952। इन दोनों नंबर्स को पढ़ने से हमें पता चला कि जो हमारा पहला वाला नंबर है वो बड़ा है और जो हमारा दूसरा वाला नंबर है वो छोटा है। तो बच्चों, जब भी हमने एडिशन करनी है, जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उसको हमने हमेशा ऊपर लिखना है और जो हमारा छोटा वाला नंबर है उसको हमने नीचे लिखना है। मगर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, आपने जब नंबर्स को लिखना है तो हमेशा राइट साइड से लिखना है। आप देख सकते हैं, हमने अपना बड़ा वाला नंबर लिखा, उसके बाद जब हमने अपना छोटा वाला नंबर लिखना शुरू किया तो हमने उसको राइट साइड से लिखना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हर डिजिट के नीचे एक डिजिट तो है, मगर जो लास्ट डिजिट है 2, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, हम अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जिस डिजिट के नीचे कोई डिजिट ना हो वहाँ पे हम लगाएंगे 0। तो हमने लगा दिया 0। अब हमारे लिए इनको ऐड करना बहुत आसान हो गया है, तो हम इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 8 and 2, इसको हम ऐड करेंगे इस तरह से। बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम 8 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो होता है 10। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या हम 10 पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे? जी नहीं। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 9 से बड़ा कोई भी नंबर आए तो हम क्या करेंगे कि उसका जो राइट साइड वाला डिजिट होगा उसको लिख देंगे उन नंबर्स के नीचे जिनको हमने ऐड किया है, और जो उसके लेफ्ट साइड वाला डिजिट बच जाएगा उसको हम कैरी का नाम देंगे और उसको हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले नंबर्स के ऊपर। यानी कि 8 और 2 को ऐड करने के बाद हमारे पास 10 आया, 0 हमने आंसर में लिख लिया और 1 हमने कैरी ले लिया। अब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट 3 और 5 को। 3 और 5 को ऐड करने से हमारे पास बनता है 8। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो हमने ऊपर कैरी लिया हुआ है 1, उसका क्या होगा? तो बच्चों, जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हम कैरी को भी साथ ही ऐड करते हैं। 5 और 3 को ऐड करने से हमारे पास नंबर आता है 8, और जब हम उसमें कैरी ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर हो जाता है
9. अब हमारे पास नेक्स्ट है 1 और 9. जब हम 1 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास फिर से आता है 10. 10 जब हमारे पास आता है तो वो 9 से बड़ा नंबर है, जो उसका राइट मोस्ट डिजिट है यानी कि 0, उसको हम लिख देंगे अपने नंबर्स के नीचे, और जो हमारे पास लेफ्ट डिजिट है 1, उसको हम लिख देंगे नेक्स्ट नंबर के ऊपर, जो कि होगा हमारा कैरी. नेक्स्ट डिजिट है बच्चों हमारे पास 6 और 5. जब हम 6 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 11. लेकिन हमारे पास ऊपर एक कैरी भी तो है, तो जब हम 11 में एक और नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 12. अब हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि हमारा राइट वाला डिजिट जो कि 2 है, उसको हम लिखेंगे अपने नंबर के नीचे, और हमारा लेफ्ट वाला डिजिट जो भी है उसे हम ले लेंगे नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी. अब आगे है हमारे पास 5 एंड 0. बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा आंसर सेम आता है. तो जब हम 5 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा 5, और उसके ऊपर जो कैरी है वो भी तो उसमें ऐड होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 6. तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 4 एंड 6. जब हम 4 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास फिर से आता है 10. 10 में हमारे पास राइट पे है 0, जिसको हम लिखेंगे अपने नंबर के नीचे, और 1 है हमारे पास कैरी, उसको हम लिख देंगे नेक्स्ट नंबर के ऊपर इस तरह से. अब हमारे पास लास्ट वाले 2 डिजिट बच गए हैं, 2 और 0. जब 2 के अंदर 0 ऐड किया जाएगा तो आंसर आएगा 2, और 2 के ऊपर हमारे पास है एक कैरी. 2 के अंदर जब 1 ऐड होगा तो हमारा आंसर आएगा 3. तो बच्चों अब हमने इन नंबर्स को कितनी आसानी से ऐड कर लिया आपने देखा. अब हम हमेशा की तरह इन नंबर्स को पढ़ना भी सीखेंगे. हमने क्या पढ़ा था कि राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद हम लगाएंगे कॉमास. तो हमने लगा दिए कॉमास, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम लेफ़्ट से पढ़ेंगे. लेफ़्ट पे हमारे पास है 3. 3 है हमारे पास मिलियन के घर में, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 मिलियन. उसके बाद हमारे पास आता है 0, 6, 2. बच्चों 0 जब भी किसी भी नंबर के राइट साइड पे आता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है, लेकिन जब वो किसी नंबर के लेफ़्ट साइड पे आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो ये वाला डिजिट हमारे पास बनेगा 62,000, यानी कि 3,062,000. और लास्ट में हमारे पास फिर से है जी 090. अब जो तो 0 आ रहा है 9 के राइट साइड पे, उसकी तो एक वैल्यू है. जो 0 आ रहा है 9 के लेफ़्ट साइड पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये हमारे पास बनता है 90. अब अगर इस नंबर को हम कंप्लीट पढ़ें तो ये नंबर है हमारे पास 3,062,090. तो बच्चों देखें कितनी आसानी से हमने नंबर्स को ना सिर्फ ऐड किया बल्कि लिखना और पढ़ना भी सीख लिया. तो बच्चों मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.pen.org.pk. थैंक यू सो मच.